Please don't say anything. I have respect for everyone. I am not used to discussing individuals. I withdraw from this case. Enough is enough. कोलकाता हाई कोर्ट में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सुमन सेन के बीच के विवादों से कौन वाकिफ नहीं होगा। मामले ने एक गंभीर मोड़ तब ले लिया था जब जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जस्टिस सुमन सेन पर ये आरोप लगा दिए कि वे एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए इलीगल ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। यहाँ और किसी पार्टी की नहीं बल्कि टीएमसी पार्टी और उसके लीडर अभिषेक बैनर्जी को स्पेशली जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ड्रैग किया है। एक हाईकोर्ट के दो जजेस के बीच ऐसे झगड़े देखकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया और एक 5 जज बेंच बनाकर इस मामले पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूर के अलावा जस्टिसेस संजीव खन्ना, पीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस शामिल थे ने स्टे के अलावा इस केस को खुद को भी ट्रांसफर कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा नया क्या है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के केस को खुद को ट्रांसफर करने के बाद वापस से कोलकाता हाईकोर्ट में एक तमाशा हुआ है। इस बार जस्टिस सुमन सेन ने ऐसा क्या बोला कि कोलकाता हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है और क्यों चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने सबसे माफी मांगी है, हम देखेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा कि आपको मालूम होगा, ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने बार के किसी और मेंबर के खिलाफ ऐसी बातें या एक्शन किए हैं। कई मौकों पर हमने देखा है कि आए दिन वे अपने ऑर्डर्स पास करवाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के दूसरे बेंचेस के ऑर्डर्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि जस्टिस सेन के साथ हुए विवाद में देखा गया है। हालांकि ऐसा करना जस्टिस गंगोपाध्याय को भारी भी पड़ा है जब कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हें पूरे 2 दिन के लिए बॉयकॉट कर दिया था पिछले साल दिसंबर में, इसलिए क्योंकि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक एडवोकेट को ओपन कोर्ट से डायरेक्ट सिविल प्रिजन भिजवा दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एडवोकेट प्रसन्नजीत मुखर्जी ने जस्टिस गंगोपाध्याय के सामने डिविजन बेंच के उस ऑर्डर को पेश किया था जिससे डिविजनल बेंच ने जस्टिस गंगोपाध्याय के ऑर्डर को मॉडिफाई किया था। और इस बार भी जस्टिस सुमन सेन के खिलाफ रिमार्क देना जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को भारी पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में घुसकर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सारे ऑर्डर्स पर स्टे लगा दिया है। हालांकि जस्टिस सेन के अलावा भी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक और शख्स को बहुत ही बेइज्जत किया था, ये और कोई नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता है। जब 25 जनवरी को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को पता चला कि उनके द्वारा मेडिकल रिक्रूटमेंट स्कैम में सीबीआई को जांच का जिम्मा देने का ऑर्डर जस्टिसेस सुमन सेन और उदय कुमार के डिविजनल बेंच द्वारा स्टे करवा दिया गया है, तो वे बहुत ही आग बबूला हो गए और जस्टिस सेन पर आरोप लगाने के साथ साथ एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता को भी टारगेट किया। ईजी पर आरोप लगाने पर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ईजी के कैरेक्टर और मॉरल बीइंग पर भी उंगली उठाई है, जिससे बार मेंबर्स और लॉयर्स काफी नाराज दिखे हैं। और इसी के साथ सबने एक लेटर चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम को लिखा है जिसमें 250 से भी ज्यादा लॉयर्स ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से माफी मांगने को कहा है। द लेटर स्टेटेड द ओल्डेस्ट चार्टर्ड हाई कोर्ट इन इंडिया इटसेल्फ हैज बीन ह्यूमिलेटेड बाय द अफोर्सेड इंसिडेंट। द मैजेस्टी एंड डिग्निटी ऑफ दिस कोर्ट हैव बीन सिवियरली अफेक्टेड बाय द अफोर्सेड कंडक्ट ऑफ द जज towards the leader of the bar, that is the learned advocate general. Such an unsavory incident cannot be recalled ever in the annals of this court. अब देखते हैं कि इस लेटर के रिस्पांस में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय क्या कहते हैं। अब बात करते हैं उस तमाशे की जो कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच के ऑर्डर के बाद कोलकाता हाई कोर्ट में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने एक केस को खुद को असाइन करने के बाद चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया है कि शायद जजेस की ऐसी लड़ाई के बीच केसेस रीअसाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। सीजेआई चंद्रचूर सेट, Let us not take away the powers of the Chief Justice of the High Court or arrogate ourselves with the powers conferred on the High Court Chief Justice. I am sure the Chief Justice is taking stock of everything. इसके ठीक अगले दिन Chief Justice of Kolkata High Court ने एक हियरिंग के दौरान सबसे पहले तो माफी मांगी और कहा कि वे बहुत ही शर्मिंदा है कि कोर्ट में ऐसा हुआ है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मामले जल्दी से जल्दी निपट जाए। इसी के साथ ही stated an untoward situation in the court which was undesirable in a temple of law and could have a long term effect on the public at large. और इसी के साथ चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम ने केसेस रीअसाइन करते हुए सारे प्राइमरी एजुकेशन केसेस और अपील्स को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच से लेकर जस्टिस राजशेखर मंता की कोर्ट को सौंप दिया। इंसिडेंटली जस्टिस सुमन सेन्स बेंच हैड सेवरल रिक्रूटमेंट रिलेटेड केसेस। चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम रिमूव्ड ऑल दोस केसेस फ्रॉम सुमन सेन्स बेंच। लेकिन इन सब के बावजूद भी मामला यहाँ शांत नहीं हुआ। ट्यूजडे को जस्टिस सुमन सेन के सामने अपर प्राइमरी केस से जुड़ा एक मामला लिस्टेड था जिसमें उन्हें फाइनल ऑर्डर सुनाना बाकी था। हालांकि
जस्टिस सोमन सेन ने इन सारे विवादों को नजर में रखते हुए इस मामले से खुद को रिमूव करना सही समझा। इस हियरिंग के दौरान पहली बार जाकर जस्टिस सोमन सेन ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा दिए हुए रिमार्क्स को एक्नॉलेज करते हुए कहा, जजेस राइट्स आर लिमिटेड टू गिविंग वर्डिक्ट्स, वी हैव नो इंसेंटिव फॉर एनी पर्टिकुलर केस, बट एनीवन कैन ओपन देयर माउथ इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, द कोर्ट हैज बीन इंसल्टेड बाय व्हाट हैज हैपेंड। जब हियरिंग में मौजूद लॉयर कल्याण बैनर्जी ने कहा, आई वॉन्ट टू सी समथिंग अबाउट जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, तो जस्टिस सेन ने उन्हें रोकते हुए बोला, प्लीज डोंट से एनीथिंग, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, आई एम नॉट यूज्ड टू डिस्कसिंग इंडिविजुअल्स, आई विथड्रॉ फ्रॉम दिस केस, इनफ इज इनफ। जहां एक और जस्टिस सोमन सेन ने अपर प्राइमरी एजुकेशन स्कैम से खुद को रिमूव किया, वहीं दूसरी ओर पेटिशनर्स इस केस के ऐसे टर्न ऑफ इवेंट से परेशान दिखे हैं। न्याय की गुहार करते हुए वे कोलकाता हाईकोर्ट पहुँचे थे और पिछले 10 सालों से इस केस में लड़ रहे थे, और जहाँ इस मामले की सारी हियरिंग भी समाप्त हो चुकी थी और बस फैसला सुनाना बाकी था, जस्टिस सेन के इस बयान से कि वे खुद को इस केस से रिमूव कर रहे हैं, पिटिशनर्स ने कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट चालू कर दिए और पुलिस को इस मामले में शामिल होकर उन्हें भगाना भी पड़ा। एक प्रोटेस्टर ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा भी, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट और द अपोजिशन पार्टीज आर प्लेइंग पॉलिटिक्स विद अस अगेन एंड अगेन, देयर इज नो प्लेस फॉर अस टू बी पॉलिटिसाइज्ड, वी नाउ हैव अ लाइफ एंड डेथ प्रॉब्लम, वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन, व्हेन विल वी गेट जस्टिस, द फाइट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 10 इयर्स, आवर चेस्ट्स आर बर्स्टिंग। अब देखते हैं कि जस्टिस सोमन सेन की ये करने के बाद इस मामले को चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम किसे सौंपते हैं। इस मामले से तो ये साफ हो जाता है कि जजेस की लड़ाई में हार सिर्फ एक सिटीजन की होती है और उसे ही न्याय मिलने में और समय लगता है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सेन के बीच की ये लड़ाई तब शुरू हुई थी जब जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सामने कुछ कैंडिडेट्स पहुंचे ये मांग लेकर कि कई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में लोग फेक SC ST सर्टिफिकेट्स बनवा कर एडमिशन ले रहे हैं। द कैंडिडेट्स सॉट डायरेक्शन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द ब्रेकअप ऑफ मार्क्स एंड ऑल्सो पब्लिकेशन ऑफ द पैनल ऑफ कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट रूल्स 2016। इस मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा स्लो जांच की वजह से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये केस CBI को सौंपा था, और उनके इस ऑर्डर को ही जस्टिस सेन और उदय कुमार की बेंच ने स्टे करवाया था, ये कहते हुए कि पिटिशनर्स ने इस जांच की मांग नहीं की है और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इसके अलावा कोई ऑर्डर्स नहीं ग्रांट कर सकते। हालांकि इस पर स्टे के बावजूद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने CBI को सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए और जांच के ऑर्डर्स दे दिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच के इस पूरे मामले में स्टे लगने के पहले ही CBI ने थोड़ी सी जाँच करके कई मिनिस्टर्स को मेडिकल रिक्रूटमेंट स्कैम में बुक भी कर लिया था। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मामले की सुनवाई कब करेगी। इसी के साथ अब ये भी देखना होगा कि क्या जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अपने एडवर्स रिमार्क्स के लिए एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से माफी मांगते